हेलो फ्रेंड्स, काफ़ी टाइम बाद आज हम लोग एक दूसरे से इंट्रोड्यूस हो रहे हैं। एक्चुअली क्या है ना कि कभी कभी जब आप अच्छा काम कर रहे होते हैं तो कंडीशंस भी आपके अगेंस्ट हो जाते हैं, राइट। तो दूसरों को मोटिवेट करते करते, दूसरों के लिए वीडियोस बनाते बनाते 100% स्ट्रेटजी, है ना, इंटर इन 11th लाइक प्रो, लाइक 10th स्टार्ट करो विद 100% कॉन्फिडेंस, इस तरह के लाजवाब वीडियो बनाने के बाद मुझे खुद ही नहीं पता चला कि मैं कब डिप्रेशन में आ गया। सबको मोटिवेट करते करते आप इवेंचुअली अगर बात करो कि आपके जब मार्क्स आते हैं तो जब आप स्कोर करते हैं, थोड़ा सा लो स्कोर होता है, तो आप क्या करते हैं कि आप मोटिवेशन का सहारा लेते हैं, राइट। आपके पेरेंट्स आपको समझाते हैं, ठीक है, आपके गार्जियन आपको समझाते हैं, आपके टीचर्स आपको मोटिवेट करते हैं, शाबाश बोलते हैं कि चलो ठीक है, आप अच्छा कर रहे हैं। तो हम लोग भी ऐसे ही टीचर्स हैं जो आज तक केवल बच्चों को मोटिवेट करते रहे, पूरी ताकत से, पूरी जान लगा करके बच्चों के लिए हमने कंटेंट प्रोवाइड किया, है ना, चाहे वो ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन। लेकिन इन सबके बीच में ये नहीं समझ में आया कि ये सारी नेगेटिविटी हमारे अंदर क्यों आ रही। एक तरह से मैं ये नहीं समझ पाया, मतलब वर्ड्स देखो ऐसा है कि कोई कंटेंट नहीं लेकर के आज आया हूं मैं, केवल मुझे आपसे आज बात करनी है। मतलब मैं कैसे आपसे कहूं कि नहीं, आपको मैं बता पा रहा था कि यार कौन सा फेस चल रहा है। इतना डिप्रेशन था, इतना टेंशन रहता है, एक प्रेशर रहता है, एक डेढ़ साल से हम लोग मेहनत कर रहे हैं, उस हिसाब से ग्रोथ भी नहीं है। मे बी हो सकता है हमारा थोड़ा तरीका पुराना लग रहा हो बच्चों को, या कुछ कंटेंट में ही कुछ लूज पोल मिल रहे हो, तो दूसरों को मोटिवेट करते करते खुद डिप्रेशन में चला गया और इस कारण से मैं आपके सामने 20-22 दिन तक नहीं आ पाया। लेकिन आप में से जो बच्चों ने मुझे प्रॉपर सपोर्ट किया तो उनका मैं बहुत बहुत थैंक यू करता हूँ। और तो ये फेजेस हैं, ये सब निकल जाते हैं। तो अच्छा, मैं सोच रहा था कि हमेशा टीचर या हमारे जो वेल विशर हैं वो हमें मोटिवेट करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। मैंने इन 20 to 22 days में मैंने ज़रूर देखा। एक दिन क्या हुआ था, ऑफलाइन हम लोग क्लास ले रहे थे और ऑफलाइन में से कोई एक बच्चा बोलता है कि सर आप काफ़ी टाइम से यूट्यूब में नहीं है। मैंने उसको एज अ स्टूडेंट, अब एक रिलेशन होता है, एक टर्म बन जाता है, जैसे हमारा आपका एक रिलेशन है, वैसे जो ऑफलाइन क्लास में जो स्टूडेंट जो डेली मिलते हैं उनसे भी हमारा एक अच्छे टर्म, अच्छे रिलेशन बनता है। तो उन्हीं स्टूडेंट्स ने मैं एक पूछा कि सर आप वीडियो नहीं डाल रहे हैं यूट्यूब में, तो मैंने उसको बताया तो उसको बोलता है कि सर इसमें परेशान होने की क्या बात है, आप पढ़ाते तो वैसे भी हो, है ना, तो जब पढ़ा रहे हो तो आप उसी वीडियो को उसमें अपलोड कर दिया करिए, राइट। और ये सारे सब टाइम है, फेजेस हैं, ये आते हैं, जब लोगों को आपका कंटेंट समझ में आएगा तो लोग आपको सपोर्ट करेंगे, राइट, और आपको टेंशन खत्म होगी। वैसे भी एक ड्यूटी समझिए, या ये समझिए कि इससे जो 2-4-5 बच्चे आपसे जुड़े हैं कम से कम उनका बेनिफिट हो रहा है विदाउट पेइंग एनी चार्ज, राइट। तो ये बात मुझे घर कर गई। अच्छा, कई बार मैं सारी चीज़ें सोचता हूँ और बहुत सारी बातें फिर उस दिन हमारे और उन सभी बच्चों के बीच में हुई जिससे हम मुझे एक पॉजिटिव वाइब्स आई, ठीक है, और उन पॉजिटिव वाइब्स के साथ मैं वापस, आज मेरे ख्याल से एग्जैक्ट 23वां दिन है मैं आपसे बात कर रहा हूँ और मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरी प्रॉब्लम क्या थी, मैं क्यों नहीं आपके सामने आ पाया, ठीक है। और इन 23 डेज के बाद हम लोग कल मंडे से पावरफुली स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना सबसे छोटा क्लास 9th, और इसके बाद 10th, और इस साल हम लोग 11th एज वेल एज 12th की भी क्लासेस इसमें कंटिन्यू करेंगे। तो हम आज आपसे मैंने बात की तो मुझे थोड़ा अच्छा लग रहा है, हल्का फील कर रहा हूँ। हम लोग अब मिलते हैं, आप अगर 9th में हैं तो कल मिलेंगे 8 बजे के आसपास, मैं 9th का एक वीडियो लेकर के आऊँगा। अगर आप 10th में हैं तो हम लोग आफ्टर टुमारो मिलेंगे, ठीक है, और अगर आप 11th में तो थोड़ा सा वेट करिएगा, एक बेहतरीन कंटेंट अगर आपको चाहिए तो थोड़ा सा वेट के बाद मिलता है, बाकी यूट्यूब में तो भरा पड़ा हुआ है, हर जगह सब कुछ मिलेगा, खूब मिलेगा, ठीक है, लेकिन बेहतरीन कंटेंट के लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, राइट। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, आई होप कि आप लोग सपोर्ट करेंगे। अगर आप में से जिन बच्चों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ठीक है। आज के लिए इतना ही, हंसते मुस्कुराते और खिलखिलाते रहिए, कल मिलता हूँ 8 बजे।